सो गाइज हमने चालू किया है कोरालगढ़ के लिए ट्रैकिंग। सो यहाँ पे पार्किंग का चार्जेस है कुछ 200 रुपीज़, जो कि यहाँ पे एक पेट शेलार करके गांव है वहाँ पे अपने को बस पार्क करना पड़ता है उसके लिए। और फिर वहाँ से बस पार्क करके यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा स्टेप्स है, थोड़ा सा चिक्कड़ वाला रास्ता है, उसके बाद सब सही है। लेट्स एकदम इजी लेवल का ट्रैक है, सो लेट्स गो। हमारे दोस्त है सामने और आज स्पेशल डे है मेरे लिए, बिकॉज DC से घूमने आया हूँ। और ये हमारी जो येलो कलर की वैन है बैक साइड में हमारी, तो अभी हमने 3 ट्रिप डिसाइड किए हैं। सुबह टाइगर पॉइंट, गोरेगढ़ फोर्ट और उसके बाद एक विला जाएंगे, हम 3 ट्रिप करने वाले हैं। तो वेलकम टू रावत ब्लॉग्स, जो कि हमने चेंज कर दिया है। तो गाइस काफ़ी लोग आ रखे हैं, आपसे मीट कराएंगे। सो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे क्रीड भाई है सोलंकी डिग्निटी, और ये हमारे सौरभ यादव, ये हमारा अब्बू चलता है तो अब्बू गट्टे, और ये हमारे भाई है, आपका नाम भाई राजीव, राजीव ये हमारे हिमांशु भाई है, और हम अभी चिक्की लेने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि बेइज्जती करके जाएगा ऐसे लेगा नहीं। गाइस इसको आप जानते होंगे, लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में धक्का दिया था, ध्यान से देखो। हाँ चाय चाय सात बॉयज वाला, चाय बॉयज वाला मतलब, हाँ भाई तो फाइनली 10 कपों का हमको 3 से भरना पड़ा है, क्योंकि हमारे पार्टी पंची गए, हमारी पब्लिक है सामने, और हम यहाँ रुके हैं। मॉर्निंग का जो व्यू है हमें लोनावला का, टाइगर पॉइंट का, वो सबको देखना है। निर्मा इसकी हरकतें तो नोट करने लायक है। सो गाइस काफ़ी मस्ती हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं बस के अंदर। तो ये हमारी वैन है और अभी हम जा रहे हैं टाइगर पॉइंट के लिए। सो हमारे दीपक भाई चढ़ चुके हैं, उनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। सो ये हमारा स्पेशल सीट है, अगर जो हमारे सीट है एकदम कोने पे, आपको दिखाएंगे। अरे आप क्यों आ गए मेरी जगह पे? सो हमको यहीं बैठना पड़ेगा गाइस, क्योंकि पूरी पैक हो चुकी है बस। गाइस मैं इस वक्त हूँ टाइगर पॉइंट के नियर बाई, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 2 रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा कोहरा छा रखा है, मतलब गाड़ियाँ भी एकदम लाइट से दिख रही है, अदरवाइज कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे अपनी टीम वाले, यहाँ किसी को पता नहीं चल रहा है टाइगर पॉइंट का रास्ता जो है कहाँ को जा रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। गाड़ी सबकी यहाँ जाम हो चुकी है, क्यों यहाँ? तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? एक नंबर भाई। कुछ दिख रहा है आपको आगे? कुछ नहीं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। कुछ नहीं तो क्या, क्यों आया क्रीड भाई? कैसा लग रहा है आपको उठ के सुबह सुबह? हाँ बड़ी खुश है। क्या खुश है विशाल, कुछ कहना चाहोगे? 2022 का जुलाई महीना बोले तो सबसे बेस्ट। मेरे ब्लॉग में निकिता शूट कर रही है, जैसे कि देख सकते हो गाइस, बारिश आ गई जल्दी अंदर आओ। हेलो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं पेट शाहपुर, जो एक गांव है। यहाँ पे सामने 2 मंदिर है और ये पार्किंग है। यहाँ से जो फोर्ट है अराउंड 4-5 किलोमीटर, जो कि वॉकिंग है। सो हमें अभी ट्रैक करना है, और जो हमारे टीममेट्स है वो बैक साइड में खड़े हैं। जो मेरे सामने कोहरा है वो आपको मैं बता नहीं सकता, बिकॉज जो फील मॉर्निंग की वाइब आ रही है ना, वो अनदर लेवल की गाइस। सो गाइस हमारी फाइनली ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो देख सकते हो आप मेरे बैक साइड में काफ़ी लोग हैं, ये हमारे टीम मेंबर है। सो हमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा ऊपर चढ़ने में। ये हमारे हिमांशु भाई है, खास है, जो नेक्स्ट जो पिछले हमारे मालसज घाट के ब्लॉग में नहीं थे, बट अभी है स्टिल। कुछ पीछे आ रहा है एकदम। हाँ सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का जो कोहरा लगा है पूरा? फॉगी फॉग मैं बयान नहीं कर सकता, आप खुद यहाँ पर आए और भी आके देखिए, चेक करिए जरूर यहाँ आके। रिकॉर्ड हो गया।
हाय किरीट। हाय। कम जल्दी ऊपर आ भाई, इधर से ही रास्ता। सो गाइज, हम जो है कि रास्ता भटक गए थे, आई थिंक हमें इतना पता नहीं यहाँ के बारे में, तो जो पहले चले गए हैं उनका, ये लोग काफ़ी लेट कर रहे हैं, सो नहीं तो उनको देख देख के उनके पीछे पीछे चल देते थे हम लोग। पीछे से आ रहे हैं हमारे दीपक भाई। हेलो, कैसा लग रहा है यहाँ का रास्ता? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। रास्ता जो शुरू हुआ है पड़ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं आगे भी। डिफिकल्टी लेवल्स कितने हैं, क्योंकि अभी तो उतने स्लिपरीज भी लग रहे हैं जिनके शूज़ अच्छे नहीं हैं। लाइक मेरे तो स्केचर्स हैं तो कोई इशू नहीं है। लाइक जो रूट है वो कुछ ऐसा है एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है गांव की आबादी भी एकदम से। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, थोड़ा सा थर्ड आए हुए पूरे रास्ते में। जो शौकीन है ट्रैक के, सो वो आपको आना चाहेंगे यहाँ, और आई थिंक सो जो ऐसी प्लेस पे आना चाहे तो वो ट्रैक करना अपने आप सीख जाता होगा। बिकॉज क्या होता है ना, सुंदरता हर किसी को पसंद होती है नेचर की। सो गाइज, हम फाइनली थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं कुरायगढ़ फोर्ट के। तो ये कुछ डिटेल्स है किले के बारे में। सो कि तो ये टोटल यहाँ से स्टेयर चालू हो जाती है जो 600 स्टेयर है एज पर द विलेज पर्सन जो हमने बात की। अभी हमें अराउंड 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसके लिए। कुछ लोग कह रहे हैं जन्नत की सीढ़ी है, जो सपा। तो गाइज, ये स्टेयर स्टार्ट हो चुकी है यहाँ की। तो गाइज देख सकते हो, जैसे कि आप जो मेन व्यू था वो सामने है हमारे, और आगे आपको बता दें तो जो एक्चुअली में बोलते हैं स्वर्ग ऐसा है, वो लग रहा है सामने से स्वर्ग जैसे सीढ़ियाँ लग रही है, क्योंकि पानी जो है वो फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड। फाइनली काफ़ी टाइम चलने के बाद हमें अभी लग चुकी है थोड़ी सी भूख, और विशाल भाई ने हमारे बिस्किट खोल चुका है जो कि आइडेंटिक। तो आइए आप भी खाइए, मज़ा लीजिए। इस पानी में डुबा के भी खाएंगे तो भी अलग ही फील आएगा, पानी एकदम दूध की जैसे सफ़ेद है। आफ्टर काफ़ी टाइम के बाद हम पहुँच ही चुके हैं उस मंजिल पर जिस पर हमने व्लॉग बनाया है, कोरीगढ़ का किला। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द हिल है। बेसिकली बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बट बारिश खेला भी नहीं जा रहा है। मैं पहुँच चुका हूँ ठीक है इस पर कोरीगढ़ का किला जो मेरे सामने है बैक साइड में। अभी आपको यहाँ का कुछ डिटेल बता। तो गाइस देख सकते हो, कोरीगढ़ किला अम्बौड़े का मूर्ति जी पुणे। तो ये कुछ डिटेल्स है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी इस किले के रिगार्डिंग। तो इन्फॉर्मेशन ये तोड़े तो तुम्हारा क्या 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 अगर आप कुछ भी, ये सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपका एक पत्थर एक कंकड़ भी उठा के ले जाते हो तो सरकार आपको जो है तोड़ेगी, सरकार आपको घर से उठा लेगी, इसका ये मतलब है गाइस। यार आप देख सकते हैं बारिश कैसी आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो जो ये किला है इसमें तोपे रखी गई है, बेसिकली ये देख सकते हो महादेव शंकर मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के विजय। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, और आप देख सकते हो मैं एक तालाब के पास पहुंच चुका हूँ। जो मेरे सामने नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा है, काफ़ी ठंड लग चुकी है, और हमें अभी थोड़ा नीचे आए तो हमें एक मैके पॉइंट मिला है जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे लोकेट है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा तो लग रहा है कि स्पेशल मैगी है, देख सकते हैं अभी हम खाएंगे इसको। गाइस जो है हम लोग अपनी हालत बयान नहीं कर सकते, दो प्लेट मैगी खा ली है, स्टिंग भी पी लिया है दो, कोई राहत नहीं। सोचा था बहुत अच्छा होगा, पर अभी हम लोग को लग रहा है जल्दी से घर पहुंचे, अब ये मजाक नहीं रह गया। मजाक तुमने दिया था, हमें घर जाना है, हमें घर जाना प्लीज। जो भी ये वीडियो देख रहा है हमें घर पहुँचा दे, मुझे अपने घर जाना है। ISI जो भी देख रहा है प्लीज हमारी मदद करे। तो दोस्तों
हो गया हमारा जो यहाँ का ट्रिप था, जितना मुझ में हिम्मत थी उतना मैंने एक्सप्लोर किया, बट स्टिल थोड़ा बहुत बाकी रह गया, वो विशाल भाई ने एक्सप्लोर किया, तो उनके पास से वीडियो जो भी रहेगी मैं ले लूँगा। और हमारी टीम आ चुकी है सबके लिए मैगी।